गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है लेंथ कन्वर्जन, लंबाई की एक इकाई को दूसरी इकाई से बदलना। लास्ट टॉपिक्स में हमने देखा कि लंबाई की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। मीटर पैसे की इकाई होती है, उससे बड़ी इकाइयों में हम जाते हैं तो डेकामीटर मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। हेक्टोमीटर 10 का गुणा, सॉरी डेकामीटर 10 का गुणा, हेक्टोमीटर 100 का गुणा एंड किलोमीटर 1000 का। छोटी इकाइयों की तरफ जाना है तो मीटर को अगर हम 10 से भाग देंगे तो डेसीमीटर, उसको अगर हम 100 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर, और अगर 1000 से भाग दे दिया जाए मीटर को तो आ जाता है मिलीमीटर। आज हम कुछ बेसिक कन्वर्शन सीख रहे हैं किलोमीटर की इकाइयों को, किलोमीटर मीटर को, इसे हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, कन्वर्ट इनटू किलो मीटर, इसमें बदलना है हमारे उसको किलोमीटर में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने लास्ट टाइम भी टॉपिक में पढ़ा था, अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं, मतलब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, बड़ी इकाई किलोमीटर से छोटी इकाई मीटर की तरफ जा रहे हैं, देखिए कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, हम काय में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको मीटर में, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में। बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा उसके लिए हम समझे, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, किलोमीटर और मीटर, हमें किलोमीटर से किस यूनिट में जाना है, मीटर में, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप याद कर चुके हैं एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, मतलब हमारे को यहाँ जो किलोमीटर में है उसको 1000 से गुणा करना है, और जो मीटर में ऑलरेडी दिया है तो मीटर में दिया, उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना हमें। हम क्या करेंगे इसको 21 किलोमीटर को गुणा करेंगे 1000 से, और मीटर की संख्या को उसके साथ में लिख देंगे प्लस 37 21 इंटू 1000, 21 का गुणा 1000 से, यह आ गया हमारे पास में 21000 21000 प्लस 37 मीटर, दोनों को प्लस कर दिया जाए, लास्ट का डिजिट 7 फिर 3 उसके पहले 0 1 21037 मीटर, 21037 मीटर। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं 197 किलोमीटर एंड 140 मीटर, इसे भी हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही तरीका, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये याद कर लीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। फिर 197 किलोमीटर, किलोमीटर वाली इकाई को मीटर में बदलना है, इसलिए इसको कितने से गुणा कर देंगे 1000 से, और प्लस में जो 140 मीटर दिया हुआ उसको एज इट इज निकालेंगे हम मीटर। अब 197 इंटू 1000, 197 के पीछे 3 जीरोस प्लस 140 मीटर, दोनों को प्लस कर दीजिए, लास्ट का डिजिट 0 उससे पहले 4 उससे पहले 1 उससे पहले 7 9 1, क्या आ गया हमारे पास में 197140 मीटर। अभी आपने देखा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, अब हम चेंज करते हैं हमारा क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन टू ले लेते हैं हम इसे, कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, मीटर के सवाल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, हम इस संख्या को क्वेश्चन के रूप में यूज करते हैं, 21037 मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब मेरे पास में मीटर छोटी यूनिट है,
छोटी यूनिट से मुझे बड़ी यूनिट में जाना है, आई हैव टू गो स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, स्मॉलर टू बिगर, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना है। छोटी से बड़ी स्मॉलर टू बिगर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। भाग देना होगा किसको, 21037 को, 21037 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से। 1000 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, इसलिए डिवाइड कितने से होगा, 1000 से। आप चाहें तो यहां पर शॉर्ट में लिखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 21037 को आपको किससे डिवाइड करना है, 1000 से। 1000 से डिवाइड करना हम सभी को आता है, 1000 की टेबल में सबसे पहले 2 टाइम्स तो 2 बन जा 2, 2000 यहाँ रिमेनिंग बचा 3, 0, 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से उतारा 7। आप कितने टाइम्स लगाएंगे, 1000 बन जा 1000 टाइम्स, रिमेनिंग क्या बचा 7, 3, 0 से 0 गया नो डिजिट, 1 से 1 गया नो डिजिट, और कुछ आ रहा है हमारे पास में, नहीं हमारे पास कोई और डिजिट उतारने को नहीं है, तो उसके बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं, हम डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल के बाद में यहाँ पर एक जीरो उतार सकते हैं, कितना आ गया 370, 1000 की टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो नो डिवाइडेशन का जीरो, भाग नहीं लगेगा शून्य। इसके बाद हम यहाँ पर एक जीरो उतार, अब 1000 की टेबल में 3700, 1000 के पहाड़े में 3700, कितनी बार में आएगा, तीन बार में, 3000 लिखा जीरो से, 0 से 0, 7 माइनस 0, 7, 3 से 3, डेसिमल लगा है इसलिए हम एक जीरो और उतार सकते हैं, एक बार में एक जीरो उतार सकते हैं, यहाँ नो डिवाइडेशन का जीरो नहीं लगाना होगा। अब 1000 की टेबल में 7 टाइम्स में 7000, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, हमारा आंसर क्या आया 21.037। इसमें जो आपके पास में पूर्णांश आया 21.037, पूर्णांश पूर्ण भाग दशमलव के पहले का भाग, वो हो जाएगा आपके पास में किलोमीटर, और दशमलव के बाद का जो भाग आया 037, 037 मीटर्स में। मीटर्स में सामान्यतः 3 अंक लिखने की परंपरा है, लेकिन अगर उसका पहला अंक 0 हो तो आप उसे हटा भी सकते हो, तो ये कहलाएगा 21 किलोमीटर और 37 मीटर, 21 किलोमीटर 37 मीटर। क्या किया एक बार फिर से देख लें, आपके पास जो संख्या मीटर में दी थी उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किससे कर दिया, 1000 मीटर से। 21037 किलोमीटर को जब हमने 1000 से मीटर को हमने जब डिवाइड किया तो आंसर आया 21.037, डिवाइड करना तो सभी को आ गया अच्छे से, तो जो डेसिमल के पहले का आया 21 किलोमीटर और 037 मीटर। आप चाहें तो डेसिमल में ना निकालना चाहें, सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें, तो जिस जगह पर डेसिमल आया था 21 वहां पर ही आप सवाल को रोक सकते थे, 21 के बाद में आपके पास में यहां बचा था 37, उसके बाद मत लीजिए। आप यहां से भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपके पास पूर्णांक आ गया 21 किलोमीटर और जो रिमेनिंग बचा 37 मीटर, डायरेक्ट भी किया जा सकता है इसे। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास से, जिसको हम एक बार और करके देखें, कोई और क्वेश्चन लेते हैं, अब की बार हम यहां से क्वेश्चन ना लेते हैं, कोई मन से नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 9489 मीटर्स को, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर्स, 9489 मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले तो लिख दीजिए हाउ
मिलीमीटर इन अ किलोमीटर, तो 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर। हमें इस संख्या को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 9489 इसको डिवाइड कर दीजिए आप कितने से? 1000 से। डिवाइड करें हम 9489 को, 1000 से डिवाइड करा, 9000 बचा 9, 8, 4। ऊपर से आने के कोई और अंक है नहीं है, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगा के आगे तक पूरा भाग दें या आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 9 जो पूरा डिवाइड हो गया किलोमीटर्स में, और जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट बच गया 489 वो हो गया आपके पास में मीटर। तो इस तरह से आपने मीटर के सवालों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस शीट हम आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा रहे हैं, आप उन्हें सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कराइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।